तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे हैंगपिंग जिन को बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी काम आ गया था, इसीलिए वो अपने डिसिपल्स को रास्ते में ही छोड़ते हुए उन्हें आदेश करते हुए कहते हैं कि तुम सब वापस से लैंड जाओ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं कुछ दिनों में ही वापस जल्दी से आ रहा हूँ, ठीक है। और वो ऐसा कहते हैं और अपने बिजन का यूज़ करके सीधे फ्लाई करके वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर उनके डिसिपल्स वो भी अपने हैंगविंग जिन का, अपने प्रिंस का आदेश फॉलो करते हैं और सीधे वहाँ से वो भी गुसू के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे जिन क्लैन के राज्यसभा में, जहाँ पर सिवाय लैंड क्लैन के वहाँ पर सभी क्लैन अभी भी मौजूद थी। और तब वहाँ पर हमारे नीम इंजन गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं कि गुस्से में एकदम दिल मिलाते हुए खड़े होते हुए कहते हैं कि मिंग्याओ, आखिर कब तुम हमें दिखाओगे कि आखिर कितने ज़्यादा सैनिक तुमने पकड़े हुए हैं विन क्लैन से? क्या तुम्हें समझ नहीं आता हमने कितने दिन से तुमसे रिपोर्ट मांग रहे हैं? क्या एक बात तुम्हें समझ नहीं आती? हाँ मिंग्याओ जिन गुआंगशा की तरफ देखता है और तब जिन गुआंगशा कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, और वो सर हिलाते हुए मिंग्याओ को आदेश देता है कि तुम उसे दिखा सकते हो। और जब वो रिपोर्ट हमारे नीम इंजे के हाथ में जाती है तो वो एक बार उसे पढ़ते हैं और फिर वो गुस्से में दिल मिलाते हुए कहते हैं कि क्या इस पर तो सिर्फ बूढ़े बच्चे और महिलाएं हैं, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है कि क्यों किया तुम सब ने? वो जिन क्लैन लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि क्लैन लीडर जिन, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, क्या आपको पता नहीं है कि आपने जिन्हें कैप्चर किया है उनका कोई दोष नहीं है, और आप उन्हें कैप्चर करके टॉर्चर कर रहे हैं, अपने कैंप्स में उन्हें रखे हुए हैं। और रही बात मोशांशु की, तो उसने तो उन्हें ही बचाया है, ये बात सच है ना? और हमारा जिन गोंगचा अभी भी चुप थे, वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। और तब हमारा प्यारा सा निहसांग अपने फ़ैन को खोलते हुए अपने चेहरे की तरफ उसे करता है और स्माइल करते हुए आगे आता है और कहता है कि सही कहा गगा आपने, वैसे मैंने भी सुना है कि मोशांशु इसी मो क्लैन को दिया गया था, पहले वो जिन क्लैन में ही रहता था, और मैंने सुना है कि वो शायद मिंग्याओ का सौतेला भाई भी है, जिसे मिंग्याओ ने उसे वहाँ रखा है मो क्लैन में, और वहाँ पर उसका कुछ खास अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं होता था, इसीलिए वो भागकर वापस यहाँ आ गया था एक सर्वेंट की तरह वर्क करने के लिए, बट शायद से उसे इन गंदे कारनामों का पता चल गया था, इसीलिए उसने थोड़े से इन पाप को थोड़ा कम कर दिया उन सभी डिसिपल्स को और उन सभी बच्चे बूढ़ों को बचाकर। शायद हमने उसे गलत समझा है ना? आप खुद देखिए, इन रिपोर्ट में साफ साफ पता चल रहा है कि आखिर गलती किसकी थी। और वो धीरे धीरे करके उन सभी छोटे बड़े क्लाइंट्स के लीडर्स को भड़काना चाह रहा था, स्टार्टिंग कर दिया था हमारा प्यारा सा निहसा, और बाकी सभी इस बात पे एग्री थे। और तब जियांग क्लैन लीडर यानी हमारे जियांग चेन आगे आते हैं, कहते हैं मिंग्याओ, क्या आप एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? हमारा जिन गोंगशा तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो गुस्से में उठते हुए कहता है क्योंकि हम ऐसा चाहते थे, उन सभी को हम अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे, उन बूढ़ों का यूज़ करके हम अच्छी अच्छी वैदिक दवाइयाँ का बनाते, उन महिलाओं का यूज़ करके हम अपनी आर्मी के लिए नए बच्चे पैदा करते और उन बच्चों को हम लोग ट्रेन करते अपनी आर्मी में, इसीलिए हमने उन सबको कैप्चर किया था। और कोई सवाल है आपको जो पूछना है आपको हमसे? और इतनी ज़्यादा गंदी बात सुनकर वहाँ हर एक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और निमिंजे तो अपना गुस्सा एकदम आपा मान लो खो ही दिए थे, और वो अपनी बादशाह को अपने हाथ में ले लेते हैं। और तब हमारा नी हसा बीच में आते हुए कहते हैं गगो शांत हो जाइए, वैसे आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने सारा सच खुद ब खुद कबूल कर लिया, अब आपको पनिशमेंट देने में हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी, तो क्यों ना हम सब मिलकर इनका फ़ैसला करें, आखिर इनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? हाँ, वो सभी लीडर्स की तरफ देखता है, वहाँ पर सभी कोई था सिवाय हमारे लैंड क्लैन के रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं था, बट उन्हें छोड़कर बाकी सभी क्लैन के लीडर्स वहाँ ऑलरेडी थे। तो हमारा प्यारा नी हसांग कहता है कि मेरे पास एक सुझाव है, अगर हमें सज़ा देनी है तो क्यों ना हम लोग मिलकर
एकदम अच्छी तरीके से सजा दें। क्यों ना हम लोग एक ऐसी सज़ा बनाएं जिससे बाकी आगे चल के कोई भी ऐसा क्लाइंट जो थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे वाला हो जाए, उसे कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। और सभी हमारे नी हुसांग की तरफ देखते हैं। हमारा नी मिनजे कहता है, क्या मतलब है नी हुसांग? हमारा मेंगयाओ नी मिनजे की तरफ देख रहा था और नी हुसांग की तरफ। वो समझ रहा था कि नी हुसांग ज़रूर कुछ कहने वाला है, क्योंकि उसे पता है कि नी हुसांग भले पढ़ाई में अच्छा हो या ना हो, पर दिमाग से बहुत स्ट्रांग है। ताकत में अच्छा हो या ना हो, बट अपने दिमाग से वो अपने आप की प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से कर सकता है। ये दोनों ही भाई एक अस्त्र है तो दूसरा शस्त्र है। दोनों एक दूसरे की ढाल और तलवार की तरह रक्षा भी करते हैं और हमला भी करते हैं। समय आने पर मिंजे आगे आते हैं और फिर समय आने पर हुसांग। हमारा मेंगयाओ कहता है, देखिए हम ऐसे दोबारा कभी नहीं करेंगे। वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, वो थोड़ा सा अपनी में गिड़गिड़ाने वाली स्टाइल को अपनाने का कोशिश करता है। बट हमारा नी हुसांग बीच में आते हुए कहता है, ओ तुम गिड़गिड़ा रहे हो हमारे सामने, पर तुम्हें गलती करने से पहले सोचना चाहिए ना। तुम्हारी सोच और तुम्हारे लीडर की सोच इतनी अच्छी है ना, हम समझ चुके हैं। वैसे काफ़ी अच्छी सोच है आपकी। क्लैन लीडर जिन को उन्हें देखते हैं और हमारे जो जिन गौंग शाह हैं वो गुस्से में आकर अपनी तलवार से सीधे हमारे हुसांग की तरफ हमला ही करने वाले थे। पर बीच में बादशाह आ जाती है और वो जिन क्लैन लीडर के दोनों ही हाथों को कट कर देती है और हमारा जिन गौंग शाह वहीं गिर कर तड़पने लगता है। मेंगयाओ और बाकी सभी सैनिक जल्दी से आते हैं और अपनी क्लैन लीडर की को हेल्प करते हैं। वो जल्दी से उन्हें वैद्य के पास ले जाते हैं और वहाँ पर अब हमारा जिन जिशवान और जिशुन दोनों ही आ गए थे, क्योंकि अब नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव जिन क्लैन के वो बन रहे थे और मेंगयाओ तो ऑलरेडी था ही वहाँ पर। और तब हमारे मिंजे गुस्से में कहते हैं, आखिर हिम्मत करनी थी तो मुझ पे की होती, मेरे भाई पर हमला करने की हिम्मत की। अच्छा है तुम्हारा सर ही सिर्फ नहीं तुम्हारा सर नहीं काटा, सिर्फ हाथ काटे हैं। शुक्र मनाई जिन गौंग शाह तो गुस्से में आ जाता है। हमारा हुसैन तो एकदम अभी भी एकदम वैसे ही खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे पता है उसके ऊपर आया हर एक हमला उसकी गगन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। पर फिर वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्यों ना हम सभी मिलकर वो सभी अलायंसेस जो हमने बनाया गया है जिन क्लैन के से उसे तोड़ दिया जाए, क्यों ना ये सब कुछ हटा दिया जाए, उन्हें हम पावर देते हैं तो क्यों ना उसे पावर को रिड्यूस कर दिया जाए। अब से कोई भी अलायंस जिन क्लैन के साथ बनाएगा नहीं और जितने भी यहाँ पर इनके ट्रेजरी अमाउंट है, जितना भी धन इन्होंने लूट कर जैसे भी गलत कामों से किया है उस सबका रिकॉर्ड निकाला जाए और उन सभी धन को हम लोग अपने पास रख लें और उन सबको गरीबों में, नॉन कल्टीवेटर्स में और बाकी कल्टीवेटर्स के अस्त्र और शस्त्र में उसे बनाने के लिए बाकी छोटे छोटे क्लाइंट्स को दे दिया जाए। और इस तरीके से वेन क्लैन और इस तरीके से जिन क्लैन एक छोटा सा क्लैन बन जाएगा और उसके पास इतनी पावर नहीं होगी जो हम सबको ओवर पावर कर सके और कुछ ऐसा करने की हिम्मत करे। सभी थोड़ा सोचते हैं इस बात पर, बट फिर निमिंजे कहते हैं कि सही है और हमारे जंग चैन भी इसका सपोर्ट करता है और बाकी क्लाइंट्स भी धीरे 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 करके उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। और तब हमारा नी हुसांग कहता है, ये सब तो ठीक है बट आखिरकार नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा, क्योंकि एक कुल प्रमुख सभी को चाहिए, कोई ऐसा जो हम सबको गाइड कर सके, गवर्न कर सके। तो ये सब आप चुनिए, बताइए आपको नहीं लगता कि कोई हमें ऐसा चाहिए? और वैसे भी हमें तो कोई ऐसा भी चाहिए होगा ना जो ही ध्यान रखे कि सही से उन सभी पैसों का जिन क्लैन से लिया जाए और उन सभी अच्छे लोगों को जिन्हें ज़रूरत है उसे दिया जाए। आप सब क्या कहते हैं, हमें ऐसे कोई पर्सन्स को ढूंढना चाहिए, है ना? ये सभी बात सोच रहे हैं और तभी हमारी जियांग यानली आगे आती है और सबको बो करती है, कहती हैं क्या मैं कुछ कह सकती हूँ सभा से? और तब निमिंजे कहते हैं, राजकुमार यानली आप बोलिए। और तब हमारी यानली कहती है, मेरे ख्याल से कि क्लैन लीडर लान वो
इस काम के लिए उपयुक्त होंगे। वो हम्बल हैं, काइंड हैं और पावरफुल हैं। वो हम सबको गवर्न कर सकते हैं, हमारे चीफ कल्टीवेटर बन सकते हैं। आप सबको क्या लगता है? और लाइन क्लाइन तो वैसे भी ज्ञान के लिए सबसे आगे है, उत्तम है, श्रेष्ठ है, और हमें नहीं लगता कि ये कोई गलत होगा। और रही बात पैसों के ध्यान रखने की, तो सेकंड क्राउन प्रिंस हंगवंग जुन वो ये काम कर सकते हैं। हमें नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा ईमानदार इंसान हमने कभी देखा होगा। वो तो कभी झूठ भी नहीं बोलते, तो क्या आपको नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा सही होंगे? और ये सभी बातें सभी सोचते हैं और तब निमिंजे कहते हैं ये सही है, और फिर पूरी सभा भी इस पर सहमति देती है। और तब हमारा निमिंजे निहोसांग कहता है, बट वो दोनों हैं ही कहाँ? तो फिर जियांग याली कहती है, अगर वो नहीं हैं फिर भी वो आ तो जाएंगे ना, पर हम लोग अभी निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद उनसे पूछ लेंगे और फिर एक छोटी सी सभा करके उन्हें बता देंगे, और फिर उसके बाद पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड को अनाउंस करेंगे और एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी महोत्सव कर लेंगे हमारे नए चीफ कल्टीवेटर के लिए। आप लोग क्या कहते हैं? ये सभी आइडिया सबको ठीक लगता है। और फिर हमारा हुसैन कहता है, ये तो ठीक है, बट इतना सारा काम क्या हंगवंग जुन अकेले कर पाएंगे? आपको नहीं लगता कि उन्हें कोई पार्टनर चाहिए होगा जिनकी हेल्प कर सके? क्योंकि आपको पता है हंगवंग जुन को इतना सभी का टच करना पसंद नहीं है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में वो जाना पसंद नहीं करते, तो आपको नहीं लगता उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत होगी? तब फिर निंजे कहता है, हुसैन घुमा फिरा के बोलने से अच्छा सीधे सीधे नाम लो, किसे कहना है तुम्हें? मिंजे कहते कहते ठीक है गगग, ठीक है ठीक है, मैं सोच रहा था वी गगग कैसे होंगे, वो तो इतने अच्छे हैं, काइंड है, और वो सबकी हेल्प करने से कभी पीछे नहीं हटते है ना, तो क्यों ना ये परफेक्ट हो। सब इस पर भी एग्री करते हैं और तब सब विंग की तरफ देखते हैं, और विंग कहता है ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसे में देखो मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगा और मैं लंजा को बता दूँगा। और तब फिर मिंजे कहते हैं, तो फिर ठीक है फाइनल बा, हम लोग आज से एक हफ्ते बाद सीधे लैंड क्लाइन में एक सभा करेंगे जहाँ पर उन सबको सब कुछ बताएंगे, और तब तक मैं और मेरी सेना अच्छी खासी इंजिन क्लाइन को गवर्न करेगी, और तब तक मैं चलाऊँगा, किसी को दिक्कत है? और तब सभी इस पर एग्री करते हैं, और इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि नहीं मिंजे से दिक्कत हो फिर वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता ना, इसलिए सब चुपचाप हाँ कहते हैं। और तब हमारा नी हुसैन कहता है, ये तो ठीक है, बट दिक्कत ये है कि जो भी वेन क्लैन की लड़ाई में नुकसान हुआ था, हम सभी क्लैंस का बहुत नुकसान हुआ है, तो फिर उसकी रिपेयरिंग का क्या? तो फिर हमारा जियांग क्लैन आगे आते हुए कहता है कि हम सब मिलकर आपस में एक दूसरे क्लैन की हेल्प करेंगे, और हम लोग काफ़ी अलायंस बना सकते हैं ताकि हम लोग के आसपास जल्दी से ग्रोथ वापस से हो और हम लोग वापस वैसे ही हो जाए। जियांग चैन कहता है कि एक हफ्ते बाद जब हम लोग सभा में चलेंगे तो उसी समय हम सभी हीरो वहाँ पर अपनी चीफ कल्टीवेटर से बात भी कर लेंगे और अलायंस भी बना लेंगे। आप सबको क्या लगता है? वो बाकी सब की तरफ देखता है अपने विचार को जब उसने एक्सप्रेस किया तो, और सभी इस बात से उस पर एग्री भी करते हैं। और उसके बाद ये सभा ख़त्म हो जाती है, सभी लोग को संभालने के लिए कह दिया गया था, और नीम जब अब उन्होंने इस जिन क्लैन की कमांड अपने हाथ में ले ली थी, हमारा जिन जिशुन जिन जिशवान और मैंगलाओ वो चुपचाप खड़े के बस कुछ सुन रहे थे, क्योंकि अभी कुछ भी कहना उन सब पे बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि निमिंजे हैं तो थोड़ा संभल कर रहना पड़ता है, निमिंजे है ना इसलिए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है हमारे सिचैन पे और हमारे मोशांशो पर, जो दोनों ही बड़े आराम से उन सभी विन के साथ मिलकर उनकी हेल्प करा रहे थे, फार्मिंग में, घर बनाने में, थोड़े से खेल रहे थे, कूद रहे थे, हेल्प कर रहे थे, उनकी टाइम बहुत अच्छे से बीत रहे थे। और तभी वहाँ पर एक बटरफ्लाई मैसेज आता है जो कि हमारी बागची का था। हमारे सिचैन उस बटरफ्लाई मैसेज को पढ़ता है और उसे वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, वो विंग की तरफ जाता है, यानी कि मोशांशु की तरफ जाता है, और कहता है कि विंग अभी उन सभी विंस की हेल्प करा था और लिटिल आईवान के साथ वो खेल रहा था। वो कहता है, हाँ गगो क्या हुआ? विंग वांगची क्या हुआ गगो वांगची को?
क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? फिंग फंग जी कका प्लीज़ बोलिए, क्या हुआ उसे, क्या कुछ हुआ है? वो तो लैंडलाइन जा रहा था ना, अचानक से क्या हुआ, आप इतनी परेशान इतनी घबराए हुए क्यों हैं? फिंग फंग जी फंग जी क्या गगा फंग जी ब्लैक माउंटेन जा रहा है क्या? हाँ वो ब्लैक माउंटेन जा रहा है, पता नहीं उसे क्या हुआ है, उसने अभी मुझे संदेश लेके भेजा कि वो ब्लैक माउंटेन जा रहा है और कुछ दिनों बाद आएगा। गगा ब्लैक माउंटेन वो तो सबसे ख़तरनाक जगह है, इस ब्यूटेड माउंट से ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी वहाँ पर है, वहाँ पर क्या करने जा रहा है, वहाँ पर कौन उसे मिल रहा है, क्या वो पागल है, अक्ल नहीं है क्या इसमें, क्या करने जा रहा है वो वहाँ पर? गगा हमें निकलना होगा, हमें उसे रोकना होगा। नहीं फ़ायदा नहीं है, वो ऑलरेडी हमसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुका है, वो उसने कल का ही वो निकला हुआ है, अभी तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा, हम नहीं पहुँच पाएंगे। गगा हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, गगा आपको पता है ना ब्लैक माउंटेन कितनी ख़तरनाक जगह है, कोई भी इंसान वहाँ जाए वो रिसेंटफुल एनर्जी के वश में आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी से भरी हुई जगह है। अगर ब्यूरल माउंट 50% रिसेंटफुल है तो वो पूरा 90% रिसेंटफुल है, भक्ति की कोर नहीं संभाल पाएगी गगा, हमें चलना होगा, ये ठीक नहीं है, हम नहीं जा सकते, समझो इस बात को, इन विंस को देखो क्या होगा इन्हें अगर हमें कुछ हो गया तो, और मैं नहीं जा सकता, मेरे पास लेंथन की जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें जाने नहीं सकता क्योंकि तुम वांगजी के हो। खगर वांगजी को कुछ हो गया तो मेरा उसका होना क्या मतलब होगा, नहीं हमें चलना होगा, नहीं हम नहीं जा रहे, हम चलेंगे, हम नहीं जा रहे हैं। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई थी और तभी बेंचिंग वहाँ आती है और कहती है कि क्या हुआ आप लोग लड़के इस बात पर रहे हैं, और तब विंग सब कुछ बताता है उसे, और तब वेंचिंग कहती है कि ब्लैक माउंटेन जहाँ पर बाउसेस रहती है ना क्या? वेंचिंग की बात सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, और तब वेंचिंग कहती है हाँ बाउसेस वहाँ रहती हैं और मैं उनसे मिली हूँ। तुम्हें पता है तुम गई हो ब्लैक माउंटेन? हाँ वो वेंकलन के बगल में ही है, तो कभी एक बार मैं छोटी थी बचपन में ही मैं वहाँ चली गई थी खेलते खेलते, और तब मुझे एक लेडी मिलती जिन्होंने कहा था कि वो बाउसन सरन है और उन्होंने मेरी चोट भी हील कर दी थी। उस समय तो मुझे नहीं पता था कि आखिर बाउसन सरन कौन है, बट उसके बाद जब मैंने रिसर्च किया मैंने जाना मैं बड़ी हुई तो मैंने समझा कि वो कौन है। और पर तुम्हें कैसे पता कि वो बाउसन सरन ही थी और वो झूठ नहीं बोली थी वो लेडी? क्योंकि मैं जानती हूँ, उनसे कई बार मिल चुकी हूँ, बट उनकी एज वैसी की वैसी थी, मैं बच्ची से बड़ी हो गई, बट उनकी विच ऐसी ही थी। पर वो ब्लैक माउंटेन पे क्यों रहती है? वो तो इतनी बड़ी कल्टीवेटर है, इमॉर्टल है, मुझे नहीं पता, सब ब्लैक माउंटेन को बदनाम करके रखे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर, जहाँ तक मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कई बार ब्लैक माउंटेन गई हूँ बट आज तक मुझे कभी कुछ भी नहीं हुआ। उस ब्लैक माउंटेन का नाम ब्लैक है क्योंकि वहाँ पर अक्सर बहुत ज़्यादा काले बादल घेरे हुए रहते हैं, वहाँ पर रोशनी बहुत कम आती है, इसीलिए उसे डरावना या भूतिया बना दिया गया है रहस्य में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बात हनुमान जी जानते होंगे इसीलिए वो ऐसे गए हैं। आप सबको इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक माउंटेन केवल नाम के लिए ऐसा है, बट कोई भी कल्टीवेटर वहाँ नहीं जाता। हाँ क्योंकि बाउंसी सर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए वैसे अफवाहें फैला दी थी, ये बात तो मैं जानती हूँ, इनफैक्ट मैंने भी उनकी थोड़ी सी हेल्प की थी ये बात वन क्लैन में फैलाने के लिए, सो आप कह सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? तो वांगजी ठीक तो होगा ना? हाँ उन्हें कुछ भी नहीं होगा, और वैसे भी वो लैंस को कभी भी हार्म नहीं कर सकती। क्यों? उनकी बेस्ट फ्रेंड थी लैनी, जिन्होंने लैन क्लैन को बनाया है, जो उनकी मेन लीडर हैं, सो वो कभी भी लैंस को हमला नहीं करेंगे, और इनफैक्ट शायद से अगर हनुमान जिनको कोई काम है तो वो उनकी हेल्प भी कर दे अगर उनका मूड अच्छा हुआ तो, वरना वो कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा हाँ तो क्या तुम मुझे लेकर चलोगी वहाँ पर? सच में क्या तुम्हें जाना है? क्या तुम हनुमान जी से प्यार करते हो? तुम्हें इतनी परवाह हो रही है उनकी? हाँ हस्बैंड है वो मेरा। क्या? मेरा मतलब है कि मैं जाना चाहता हूँ, और रही बात रिश्ते की तो ये जानना ज़रूरी नहीं है तुम्हें। ओके तुम चलो मेरे साथ। बट मैंने कहा ना चलो।
नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। हमारे सिजन आगे आते हुए कहते हैं कि उसने कह दिया ना, कैसे कोई बात नहीं है तो कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे बात पांगती की तो वो अपनी प्रोटेक्शन करना खुद जानता है, वो वहाँ गया है तो कोई काम से गया, अगर तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं तुम यहीं रहोगे। अब ऐसे कैसे कह सकते, आपको पता है वो जगह कितनी ज़्यादा डेंजरस है। लंजा एक वाइट कल्टिवेटर है और वहाँ पर फुल रिसेंटफुल एनर्जी है। आपको लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग रिसेंटफुल एनर्जी उसकी कोर संभाल पाएगी? आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग है मुझे पता है, पर वहाँ की जगह उससे भी ज़्यादा नेगेटिव है और नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। नेगेटिवनेस दिल से, दिमाग से, सब पे हावी हो जाती है। गर्म मैं भांगजी को एक डेवल सोच भी नहीं सकता। गर्म प्लीज़ गर्म ऐसा कुछ भी मत होने दीजिए, प्लीज़ गर्म हमें जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं सब संभाल पाऊँगा। मैंने ऑलरेडी उस डार्क कल्टिवेशन पर मास्टर कर रखा है, मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ जिमोनिक कल्टिवेटर हूँ। प्लीज़ गर्म ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है तुमने किया होगा, पर ये मुशांश की बॉडी ट्रेन नहीं है, तुम्हारा कोई भी वार संभाल नहीं पाएगा। तुम्हें समझ आना चाहिए बीन, तुम्हें अगर अपनी असली बॉडी में जाना है, तुम्हें फ्यूचर में जाना है, तो तुम्हें इस बॉडी को वैसे ही रखना होगा, वरना सोल एक्सचेंज करने के प्रोसेस में तुम्हें हर्ट होगा, इस सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी बीन, समझो। मैं नहीं चाहता कि लंजा हर्ट हो, ना इस समय का ना उस समय का, दोनों ही मेरे ब्रदर हैं, मैं कैसे हर्ट होने दूँ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। पर गर्ल नहीं, तुम नहीं मैं जाऊँगा। गर्ल तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? विंग मैं लैंड क्लैन का लीडर हूँ, मेरे पास इतनी पावर है कि मैं हर एक क्लैन के मेंबर को, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी लैंड क्लैन से बिलोंग करता है, उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। इसीलिए तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा। नहीं आप नहीं जाएंगे, आप मेरे गगर हैं, आपको कुछ हुआ तो मैं भांगजी को क्या कहूँगा? बिल्कुल नहीं। वैसे क्या मैं एक बात बोलूँ? क्या है? मैंने कहा ना हनुमंत को कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पर रिसेंटफुल एनर्जी है, बट वहाँ पर बाउसिन सरन भी हैं, वो उसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं। मतलब अगर आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो मैं कहना चाहती हूँ कि हनुमंत जी को कुछ भी नहीं होगा और वो ठीक रहेंगे, फाइन रहेंगे, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करें तो मैं बताऊँगी, बट प्लीज़ क्या आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इस बात का कि आप एक्चुअली ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहाँ हनुमंत जी सेफ रहेंगे, मतलब वहाँ पर एक इमॉर्टल हैं और हनुमंत जी को कोई क्यों ही हार्म करेगा, उन्होंने कभी कुछ भी गलत नहीं किया है। सो मुझे नहीं लगता कि रिसेंटफुल एनर्जी भी उन्हें कुछ भी कर पाएगी, और वैसे भी अगर कुछ भी हुआ तो वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते, तो हम लोग उनकी चिंता करने की जगह हमें ये देखना चाहिए कि जिन क्लैन और बाकी क्लैन यहाँ आ रही है क्या। हाँ मुझे नहीं पता, बट मैं यही बताने यहाँ आई थी। एक्चुअली में मुझे पता चला है कि हमारे बॉर्डर्स पर काफ़ी सारे क्लैन के लोग खड़े हैं और कुछ वेट कर रहे हैं, शायद तुमने जो बैरियर सेट किया है उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फाइन गर्ल आप चलोगे? मैं भी चलता हूँ। और फिर वहाँ से वो तीनों ही सीधे मेन बॉर्डर्स पे आते हैं, यानी